तो लास्ट मीटिंग में हमने लिखा था किरचॉफ्स लॉ, लिखिएगा जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट, जंक्शन लॉ का स्टेटमेंट। वैसे लिखवाना नहीं चाहिए, फिर भी लिखवा रहे हैं, अगले चैप्टर में पढ़ना है इसको। द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट अ जंक्शन पॉइंट शुड बी जीरो। ठीक से स्टेटमेंट नहीं लिखवाए हम, इसीलिए जानबूझ के ऐसा लिखवाए, अगले चैप्टर वाला स्टेटमेंट काम का है आपका। द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट द जंक्शन पॉइंट should be equal to zero, should be equal to zero। आप ये दो एग्जाम्पल जरूर बना सकते हैं, एक ये एग्जाम्पल, ये एक ये एग्जाम्पल। ध्यान से घबराइएगा मत, अभी हम न्यूमेरिकली इसी पे करेंगे तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम सिखा देंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ, आप ये डायग्राम बना लीजिए और उसका फोटो भेज देते हैं और सेकेंड लॉ पे बात करते हैं। प्लीज आप सर है तो अटेंडेंस जरूर भेज दीजिएगा सेकेंड मीटिंग का भी, सेकेंड मीटिंग लिख के खाली भेज देना। फोटो हमने भेज दिया, फोटो आपको स्टेटमेंट भी मैंने लिखवा दिया भाई, फोटोज आपको मिल गया, स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया। अब हम लोग सेकेंड लॉ की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो दिमाग लगेगा और वो सीख गए तो आपको कभी भी सवाल ना भी बने तो भी आप है सो इस लॉ का यूज करके ये मतलब कि इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बिना किसी भी मेहनत के, बिना किसी टेंशन के। ये सेकेंड लॉ का नाम है लूप लॉ। एक मिनट, जरा सा हम कुछ चार्ज में लगा रहे हैं, अदरवाइज ये दिखेगा नहीं आपको। फिर चलिए हो गया, लिख लिए होंगे, हम वेट भी कर लिए काफी लोग के ऐड होने का। पहला लॉ तो क्लियर है, पहला लॉ क्या है, प्लस क्यू वन माइनस क्यू वन। आप यहाँ तो अपने मन से हम चार्ज दे दिए, अगर आपको मान लो, या आप देखिएगा चार्ज हमेशा बैटरी से निकलता है, जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज वापस आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन अपोजिट हो जाएगा वो अलग चीज है, कैपेसिटर के। ये पिछले मीटिंग की बात थी, फोटो भेज चुके हैं हम, बात करने जा रहे हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं, जो भी लोग कम थे फिर भी सेकंड मीटिंग में कुछ लोग तो गायब हो ही जाते हैं। लूप लॉ, सेकंड लॉ लिख सकते हैं इसको, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ दैट इज लूप लॉ। लूप लॉ का स्टेटमेंट बहुत ही सीधा साधा है, समझिए, पहले स्टेटमेंट लिखिए। This law states that the sum of SUM sum, the sum of potential differences along a closed loop in a circuit, the sum of potential differences along a closed loop in a circuit, closed loop in a circuit. This law states that the sum of potential differences along a closed loop in a circuit is always zero. This law states that the sum of potential differences along a closed loop in a circuit is always zero. Is always zero. देखो, समझिएगा। मान लीजिए हमने एक सर्किट बना के रखा है, एक कैपेसिटर है यहाँ पे, एक और कैपेसिटर है, सर्किट का कोई भी हिस्सा हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है एक बैटरी लगा हुआ हो, यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, मे बी यहाँ पे एक और बैटरी हो जाए, कुछ ऐसा हो गया। इस कैपेसिटर का नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, ये बैटरी का वोल्टेज है V1, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V2। हर बैटरी का EMF होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम इसका नाम दे दिए V1, इसका नाम दे दिए V2। हम फिर से बता दे, NCERT में दोनों लॉ इस चैप्टर में नहीं है, आपको एक कॉम्पिटेटिव या नॉलेज के रूप में आप कह सकते हैं सीखना चाहिए, ठीक है। जंक्शन लॉ और लूप लॉ दोनों अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा,
कई टीचर ने इसमें ही पढ़ाया होगा, ये हम नहीं बोल रहे। मान लीजिए सर ने कुछ चार्ज हम दे दिए, इसमें प्लस क्यू वन है माइनस क्यू वन है, अपने मन से कुछ भी चार्ज दे देते हैं, इसमें माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू है मान लो, प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू थ्री है, ऐसा कुछ है। देखो अब आप कह सकते हैं कि अपने मन से कह, यहाँ पे भी सर्किट इधर भी बटा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं ऐसे सर्किट को किनारे किनारे बांट दिए, चार्ज अपने मन से दे दिए, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको यूज करना सिखाएंगे। मान लो ये चार्ज दिया हुआ है, अब इस लूप को एक बंद घेरा है ए बी सी डी ए, आप ऐसे इसमें हम बोलेंगे सर्किट में चल कर दिखाओ तो तुम चलोगे, चलोगे तो ए बी सी डी ए ऐसे भी चल सकते हो या ए बी सी डी ए ऐसे भी चल सकते हो, यानी आप क्लॉकवाइज लूप में चल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लूप में चल सकते हो। ये डायग्राम मान लो आपको दिया हुआ है, चार्ज भी गिवन है, बैटरी का हर बैटरी का कितने 6 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी, हर बैटरी का अपना ईएमएफ होता है जिसको आप फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, इस बैटरी का वी वन है इस बैटरी का वी टू है। तो कहता है ये लॉ कि जब आप एक सर्किट में एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आएंगे, थोड़ा अजीब लग सकता है इस चैप्टर में, अजीब लगेगा कॉम्पिटेटिव ग्रुप में, अगले चैप्टर में आपके बोर्ड का चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कष्ट होगा, अगले चैप्टर में आपको बहुत ही आराम समझ में आएगा, इसलिए हम इस चैप्टर में भी सिखाते हैं और अगले में तो सीखना ही है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए तो देखिए आप एक पॉइंट से चल के वापस अगर वही आना चाहते हैं, बैक टू पवेलियन वाला सिद्धांत, यहाँ से चल के वापस, तो आप सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ते चलिए। जैसे जब आप इधर से आगे बढ़े तो आपके रास्ते में एक कैपेसिटर आया, एक कैपेसिटर आया, अच्छा आपको हम अनम्यूट भी करके रख देते हैं ताकि आपको कभी कुछ बोलना हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, सेकंड मीटिंग में आप अनम्यूट पूछ नहीं रहे, ताकि आपको कभी मन में कुछ ख्याल आए तो आप पूछ सकते हैं। तो लूप में हम किधर से भी चलेंगे, हमको पूरी अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है। हम इधर चल रहे हैं ऐसे, तो हमारे रास्ते में जो जो चीज आएगा, जो भी रास्ते में हमारे कुछ भी आएगा, हम हर जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ेंगे। जैसे पहले में रास्ते में कैपेसिटर आया तो कैपेसिटर के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्यू वन बाई सी वन। आगे बढ़े, एक और कैपेसिटर आया, इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा क्यू टू बाई सी टू, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। आगे बढ़े तो बैटरी आया, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी वन। आगे बढ़े तो एक और कैपेसिटर आया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यू थ्री बाई सी थ्री, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का कैसे लिखते हैं, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्ट दिया रहता है। आगे बढ़े एक बैटरी आया प्लस में वी टू लिखे, और वापस ए पे आ गया तो इक्वल टू जीरो, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होता है जीरो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, ये जो आप जानते हैं, आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेचर है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंप्लीट साइकिल जीरो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, असल में वर्क डन है, एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो सब प्रिंसिपल अगले चैप्टर में बात करेंगे, तो अभी आपको हम ये नहीं बोल रहे कैसे जीरो होगा क्या होगा, ये नहीं सिखा रहे, वो सब अगले चैप्टर में बात करेंगे। फिलहाल आपने क्या सीखा कि एक लूप में जब आप चलिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो जीरो आएगा, लेकिन यहाँ एक गलत है। जैसे ये गलती क्या है इसमें, आप जब रास्ते में चल रहे हैं तो जब आप कैपेसिटर में जा रहे हैं तो कभी आप प्लस क्यू वन यानी पॉजिटिव प्लेट में एंट्री कर रहे हैं तो कभी आप नेगेटिव प्लेट में एंट्री कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कभी आप इधर से जा रहे हैं कभी इधर से जा रहे हैं, आपको डिपेंड करता है कि आप चार्ज किधर फ्लो है, किधर का हाई पोटेंशियल किधर का लो पोटेंशियल है। तो इस बार आपको डिफरेंस इन पोटेंशियल जब आपको लिखना है, ठीक है ना, आप जैसे जा रहे हैं तो फाइनल माइनस में से लिखना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कहीं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और कहीं वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरह से जोड़ और एक साइड में चल रहे हैं, इस साइड में आप चल के बोलते हैं कि हम डिफरेंस लिखेंगे, तो उस हिसाब से हो सकता है इसमें से कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में हो और कोई पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चीज में हो, माइनस में हो। इस साइन का आपको ध्यान रखना होगा। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, नहीं तो फिर डिटेल में कोई निकालिए जिधर साइड का चार्ज उसको देखिए कि हाँ भाई चार्ज फ्लो किधर है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल घटाएंगे तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी हम वो नहीं कह रहे, अभी आपको हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनिए। आपको हम क्या बोले, हम बोले कि बैटरी में कभी आप ऐसे चल रहे हैं, मान लो आप ऐसे जा रहे हो, बात करते हैं आप इस रास्ते जा रहे हो, तो आप बैटरी में जब एंट्री करोगे, ये एक सड़क है, जब आप सड़क में इसमें जाओगे तो आप देखोगे आप बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल पहले आ रहा है आपके सामने, फिर छोटा वाला आ रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ोगे यहाँ जाओगे तो इसमें क्या दिखेगा, पहले छोटा वाला टर्मिनल आ रहा है फिर बड़ा वाला आ रहा है। तो हर जगह आप देखोगे कि अलग अलग रूप आपको दिखेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जब कभी भी रूल नंबर एक, और ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी, रूल नंबर एक, आप कभी भी किसी भी कैपेसिटर में जा रहे हो
और आपके रास्ते में पहले पॉजिटिव प्लेट आ गया, आप ऐसे जा रहे हो और पहले आपके रास्ते में पॉजिटिव प्लेट आ गया, तो वहां पे पोटेंशियल का वैल्यू माइनस में लिखिएगा क्यू बाई सी, क्या चीज लिखेंगे हम लोग, माइनस में। नंबर टू, सेकेंड चैप्टर में तो हम प्रूफ भी करके बताएंगे, अभी आपको हम ट्रिक के रूप में बता रहे हैं। अगर आपके रास्ते में कैपेसिटर आया और आप जा रहे हैं लेकिन पहले माइनस प्लेट है फिर प्लस प्लेट है, यानी पहले आप जब उसमें एंट्री किए तो पहले आपको नेगेटिव प्लेट आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू प्लस में होगा क्यू बाई सी, रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री, अगर आप जा रहे हैं और बैटरी आपके रास्ते में आ गया और पहले छोटा टर्मिनल आया है फिर बड़ा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, पहले अगर छोटा आया और फिर बड़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में होगा। रूल नंबर फोर, अगर आपके रास्ते में एक बैटरी आया है पहले बड़ा टर्मिनल और फिर छोटा आ रहा है, पहले बड़ा और फिर छोटा आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में होगा। क्या रूल याद रहेगा, देख लीजिए आप ध्यान से। अब उस हिसाब से अगर हमें सही सही लिखना हो लूप लॉ, तो हम कैसे लगाएंगे लूप लॉ वो देखिए आप। डायरेक्शन ध्यान रखना है, आप किसी भी रूट को, आप इस रास्ते भी चल सकते हैं, इस रास्ते भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग लूप लॉ अलोंग ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए में लूप लॉ अप्लाई करते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव प्लेट में एंट्री किए, देखिए पॉजिटिव प्लेट में, तो साइन देंगे माइनस में क्यू वन बाई सी वन, दिख रहे हैं पॉजिटिव प्लेट में एंट्री किए तो साइन दिए हम माइनस में क्यू वन बाई सी वन, दिख रहे हैं आगे बढ़े, ए सीधा आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर से देखो किस प्लेट में एंट्री हो रहा है, इधर जा रहे हैं हम, ऐसे बढ़ रहे हैं इस बार अगर मान लो, तो इधर जा रहे हैं तो माइनस में एंट्री, प्लस में क्यू टू बाई सी टू, आगे बढ़े, बैटरी आ गया, बैटरी का बड़ा टर्मिनल है, माइनस में भी वन, आगे बढ़े, इधर मुड़े, प्लस में एंट्री, माइनस में क्यू थ्री बाई सी थ्री, अभी आसान है न्यूमेरिकल में जो कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम सिखाना चाहते हैं, ठीक लीजिएगा आप, माइनस में क्यू थ्री बाई सी थ्री, छोटा से बड़ा, प्लस में बी टू इज इक्वल टू जीरो, देखा आपको, ये है आपको लूप लॉ अप्लाई करने का एक छोटा सा ट्रिक। आप डिटेल वे में भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी ए, तो चार्ज का बी ए माइनस बी बी आप जानते हैं चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो क्यों फ्लो करेगा, तो आप कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा साइड किससे माइनस करें वो डिपेंड करेगा, तो हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आप ट्रिक याद कर लें, देख लें जल्दी से, कुछ बोलना है तो बोले। जो कुछ बोलना है बोले, अनम्यूट किए हुए हैं आप, इसमें एक और बात आप ध्यान से सुन लें लूप लॉ का प्रूफ में, अगर मान लो हम पूरा लूप नहीं जाते हैं और सिर्फ ए से सी तक जाते हैं, मान लो फ्रॉम ए टू सी, लूप कंप्लीट कीजिएगा एक जगह से चल के वापस वहां आ जाइएगा तो पोटेंशियल आप सबका सम जीरो लिखेगा, लेकिन आपको कंप्लीट नहीं करना है, ध्यान सुनिएगा, हमें जानना है ए से सी तक, ए से सी तक, तो ए का पोटेंशियल हम लिखेंगे वी ए, तो सी का पोटेंशियल लिखेंगे वी सी, समझने के लिए शुरुआत करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे वी ए, जहां शुरुआत करें अगर पूरा वहीं पे नहीं आना है तो जहां शुरुआत की वी ए, आगे बढ़िए, इधर से जाते हैं, इधर से जा रहे हैं, अपोजिट साइड से जाए, टोमेटो से थ्रू थ्रू ए बी सी, इस रास्ते से जा रहे हैं ए डी सी, तो ये वी ए बड़ा से छोटा जा रहा है, बड़ा छोटा, माइनस में बी टू, आगे बढ़े इधर जा रहे हैं माइनस में बी टू, प्लस में क्यू थ्री बाई सी थ्री, क्योंकि नेगेटिव में एंट्री हुआ है, इज इक्वल टू जहां जाके रुकना है वो लिखेगा इज इक्वल टू वी सी, समझ में आया हम क्या बोले। आप कह सकते हैं तब तो भैया आप ए से चले थे वापस तो वैसे ही चलते, तो यहाँ पे भी आपको वी ए लिखना चाहिए था, और लास्ट में वापस आप ए पे आ रहे थे तो यहाँ पे भी आपको इज इक्वल टू वी ए लिखना था, तो असल में वही तो कट जाता है तो सीधे जीरो लिख देते हैं, समझ में आया। तो आप जहां से चल के अगर पूरा लूप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो जहां चल रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद लूप में आगे बढ़ते जाइएगा और जहां पे जाकर रुकना है इज इक्वल टू उतना, बात समझ में आया। अगर एक ही बैटरी लगाएंगे तो वो तो एक ही बैटरी काम, हम सब सिखाएंगे, सवाल भी करेंगे हम लोग। प्रकृति कुछ बोलना चाह रही है, बोलो प्रकृति। भैया भैया एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो श्रेया हम क्या बोले, हम बोले मान लो हमको जाना है डी से बी तक, फ्रॉम डी टू बी, फ्रॉम डी टू बी,
पूरा लूप नहीं है, डी से डी पूरा कंप्लीट करते तो भाई हम आराम से जीरो लिख देते हैं। अभी डी से बी तक जाना है, तो डी का पोटेंशियल को लिखेंगे यहाँ, बी डी इधर से जा रहे हैं, छोटा से बड़ा प्लस बी टू, आगे बढ़े प्लस में एंट्री हो रहा है तो माइनस में क्यू वन बाई सी वन इज इक्वल टू बी तक जा रहा है, इज इक्वल टू वी बी। जहां की शुरुआत की है उसका पोटेंशियल का नाम लिखना है, जहां लास्ट की है उसका पोटेंशियल का नाम इक्वल टू उतना लिख देना है। समझा रहा है? हाँ बोलिए प्रकृति, कुछ बोल रहे थे सर? तेरा चीज है, जितने लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं बर्बाद करेंगे, मीटिंग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे हम। हाँ बोलो प्रकृति, सुन रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है। कौन सा, ये वाला या पूरा शुरू से लूप लो या सब कुछ? एक बार रिकॉर्डिंग देखना प्रकृति, अभी जो बताए वो, अभी ये बताए प्रकृति की, मान लो हमको लूप में चलना है ए से पूरा वापस ए तक, ठीक है प्रकृति? तो आपको जहां जहां कैपेसिटर और बैटरी आया उसका पोटेंशियल लिखते गए और इक्वल टू आप जीरो कर दिए। लेकिन अगर हम पूरा नहीं, ए से पूरा लास्ट तक नहीं गए, हम ए से सी तक ही गए अगर, तो जहां शुरुआत कर रहे हैं उसका पोटेंशियल का नाम दे दीजिएगा वी ए, बाकी सब वैसे ही करना है, इक्वल टू जहां एंड कर रहे हैं उसका पोटेंशियल का नाम दे दीजिएगा। जैसे आप सी पे एंड किए बी सी लिख, और अगर ये नहीं भी समझ में आया है तो अभी हम आपको सवाल करवाने जा रहे हैं, उसके थ्रू आप आराम से समझ जाइएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग करवाने जा रहे हैं प्रकृति, उसे समझ में आएगा। कैलकुलेट, ध्यान से लिखिएगा, इससे मेरा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है, थोड़ा ये कॉम्पिटिटिव सब हो जाता है, लेकिन ये सब स्कूल में पूरा पूछता है। अभी जो हम सवाल सब लिखवा रहे हैं ना, जम के पूछेगा आपसे, स्कूल में एग्जाम में खूब पूछता है सब। पार्ट वन नहीं, पार्ट टू। आज ये ध्यान से सीखे भैया, ऐसा क्यों करते हैं कि जहां से, हाँ हाँ प्लीज, मतलब अगर पूरा नहीं चल रहे, कहीं पे रुक जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल लिखते हैं, दोनों का मतलब पोटेंशियल क्यों लिखते हैं अगर पूरा हम नहीं चल रहे हैं? वहां से चल के अंतिम तक उस पॉइंट का भी तो पोटेंशियल आपको लिखना होगा ना, तो वो चीज तो हम हमेशा करने, वो रूल ही में सिखाए हैं आपको, लूप लॉ ही है वो, रूल में हम सिखाए हैं। इक्वल टू जीरो होने वाला केस में आपको हम ये दिखाते हैं कि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जीरो कर सकते हैं। लेकिन आप जब लूप लॉ कम्प्लीट नहीं किए हैं तो आपको जहां शुरुआत किया जहां एंड किया उसका पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के इक्वल होगा, वो चीज करने के लिए करता है, जो कि हम अगले क्लास में या अगले चैप्टर में प्रूफ भी करेंगे, अभी आपको याद करने बोले समझने के लिए, ठीक है? ठीक है, देखिए ना समझ में आ जाएगा। अरे यार एचसीएल में पेज नंबर 167 में क्वेश्चन होगा, ये गलत है छपा हुआ मेरे बुक में, असलो हम कुछ भी लिखवा देने चलेगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट या फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अरे ये आप लिखे कि नहीं लिखे भाई, ये जरूरी था, हम फोटो भी नहीं भेजे शायद इसका, किसने लिखा है? वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही दिया दादा, हम अपलोड नहीं करेंगे रे पागल। ऐसा क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? हम लिख रहे हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, मतलब अपलोड नहीं करने वाले, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। आर्यन अचानक से नींद खुलता है क्या रे आर्यन? सोया हुआ रहता है हमको लगता है। आर्यन तुम्हारे घर में जो गद्दा है उसमें रुई भरता है कि पैसा, मतलब नोट? पेट्रोल। पेट्रोल कहाँ भरेगा ये? इसके बाद जैसा ईटा गिट्टी का बिजनेस है बहुत बड़ा, इसलिए ईटा भर के सोता होगा, इतना बोलता पैसा कमाएगा, पैसे में भरेगा पेट्रोल भरेगा, जैसा मुंह है ना उसने बात करता है लड़का। क्या नाम है जिसका जो बोला अभी? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा आज अनुराग मिश्रा के घर में शांति है, मतलब ऐसे तो उसके घर में लगता है कि दिल्ली बराते आया है किसी ना किसी का अगल बगल, हल्ला हल्ला हल्ला। क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बुक में कुछ और पॉइंट है, हम कुछ बदल दिए यहाँ पे, वो देख लीजिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ध्यान सुनिए, ये ध्यान से समझिएगा। हमेशा यहाँ पे कितना बैटरी दिख रहा है आपको? यहाँ पे दो बैटरी दिख रहा है, और हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से आप चार्ज निकालिएगा और चार्ज लौट करेगा नेगेटिव से, जैसे करंट के जैसा होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, इधर से चार्ज देंगे तो इसको देंगे प्लस क्यू, तो इसको देंगे माइनस क्यू। आप में से आधे लोग कह सकते हैं इधर से प्लस है प्लेट तो ये भी तो पॉजिटिव प्लेट है, इधर से क्यों नहीं दे सकते इसको प्लस क्यू, इसको माइनस क्यू, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बाहुबली है, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, जो बड़ा पोटेंशियल होगा वो चार्ज सप्लाई करेगा, इसमें से एक बैटरी डिस्चार्ज होता है, एक बैटरी चार्ज होता है। ये सब आपको हम सिखाएंगे कि हाँ भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें आता है तो डिस्चार्ज हो रहा है,
यहाँ पे आप कैपेसिटर केस में समझ सकते हैं, यहाँ पे बैटरी केस में भी आप इधर से भी बना सकते थे इधर से भी, लेकिन कोई एक डायरेक्शन चुनिएगा, दोनों साइड से देखो यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव प्लेट है, तो आप चाहते तो इधर से आप चार्ज मान लो एरो समझाना चाह रहे हो, एरो बनाना नहीं चाहिए समझा रहे, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निकलेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा और वापस आएगा, आप कह सकते हैं यहाँ भी तो पॉजिटिव है, हम इधर से निकाल के आगे बढ़ा सकते थे वापस आ जाता, तो दोनों साइड पॉसिबल, आप कोई भी साइड ले सकते हैं। हमने यहाँ ये साइड क्यों चुना, 24 वोल्ट बड़ा पोटेंशियल है, इसका पावर उससे ज्यादा है तो ये उसको ओवरकम कर लेगा, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, लेकिन ये कोई गलत नहीं है कि अगर आप उधर से ही बनाते हैं तो भी सही होगा, ठीक है। प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में बैटरी आया, कहीं कोई और तार निकला हुआ नहीं है दाएं बाएं, तो चार्ज बटेगा नहीं आगे बढ़ेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, देख लो प्लस क्यू माइनस क्यू आगे बढ़े, प्लस क्यू माइनस क्यू वापस, जितना प्लस क्यू निकला था माइनस क्यू वापस आ गया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, चार्ज यहाँ से निकला, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू आगे बढ़ा, बैटरी आया आगे, कई लोग कह सकते हैं पीछे बैटरी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अरे भाई दोनों का ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिला के हम किधर चार्ज प्लस क्यू लिखे हैं माइनस क्यू लिखे हैं, फिर आगे बढ़ा वही प्लस क्यू माइनस क्यू ओवरऑल चार्ज, ठीक है। अब हम लगाने वाले हैं इसमें लूप लॉ, कोई भी लगा सकता है, लेकिन देखो अप्लाइंग अप्लाइंग लूप लॉ इन, अब किसी भी डायरेक्शन से आप लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चलो ए से शुरू करते हैं, ए से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ए से आगे बढ़े, देखो आगे बढ़े, बैटरी आया छोटा से बड़ा, क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, मैसेज में आया प्लस भैया, प्लस 12 वोल्ट, ओके आगे बढ़िए, किस प्लेट में एंट्री हो रहा है, एरो कैसे गया वो हम समझने के लिए, चार्ज के लिए बनाए थे, एरो आपको नहीं बनाना है समझने के लिए, आगे बढ़े, माइनस प्लेट आया, क्या लिखेंगे, प्लस 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 क्यू बाई फोर, ठीक है आगे बढ़ते हैं, बैटरी आया बड़ा है छोटा, क्या लिखेंगे, माइनस में 24, आगे बढ़े माइनस में एंट्री, प्लस में क्यू बाई टू, वापस ए पे आ गए इक्वल टू जीरो, ये तो समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस का सम लिखते हुए जीरो किए, ये देखो क्यू बाई फोर प्लस क्यू बाई टू, बारह में से 24 जाएगा माइनस 12 तो जाके प्लस 12, एलसीएम 4 q प्लस टू क्यू इज इक्वल टू 12, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लास वाइज हम लंबा खींच रहे हैं, 3q इज इक्वल टू, तो q इज इक्वल टू आ गया 16 कूलम, शायद माइक्रो कूलम एक्चुअली, चेक करो तो 48 होता है, हाँ 16 माइक्रो कूलम। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन था फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या क्वेश्चन में बोला था फाइंड बी ए माइनस बी वी, ऐसा बोला था क्वेश्चन, फाइंड बी ए माइनस बी वी, तो हम कहाँ से कहाँ की ओर चलेंगे जरा बताइए, ए से किधर की ओर चलेंगे, बी की ओर, तो देखो सब लोग ध्यान से, फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से बहुत जरूरी से सीख रहे हैं, पता नहीं आपको इसका इंपॉर्टेंस है या नहीं, ए से बी हम क्या सीखा है, ए से चल रहे हैं, इस रास्ता को चुनते हैं, इस रास्ता को छोटा रास्ता है, बी ए बी ए बताओ किसमें अभी इधर जा रहे हैं, प्लस में माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बी, माइनस में क्यों लिखे क्योंकि प्लस में एंट्री कर रहे थे, बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई टू, क्यू का वैल्यू है 16 बाई टू, आंसर हो गया 8, आंसर हो गया 8 वोल्ट। लेकिन आप में से कई लोग जिद्दी, बहुत जिद्दी, हर साल बच्चे जिद करते करते ऐसे भी ऐसे कहा गया मास्टर, ऐसे भी ऐसे जा कोरिया मास्टर ऐसा बोलेगा, तो हम लेंगे फिर से फ्रॉम ए टू बी, उन बच्चों के लिए जिनके मन में ये डाउट हुआ ऐसे गया है तो ऐसे भी तो जा सकता है इंसान, उनके लिए ध्यान से समझिए, हम लिखेंगे बी ए, जरूरी चीज सीख रहे हैं फिर भी कह लो मीटिंग लीव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बैठा था ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बी ए छोटू से बरू बताओ, हम पूछेंगे पर्सनली तभी को जवाब देगा, हम आपसे पूछ रहे थे सब लोग बोलते अच्छी बात है, बाकी लोग बोलता कौन बोले, अपना आराम से बेड पे बैठे हुए, बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ये उधर जाएगा 12 माइनस 24 माइनस 12 जाके उधर प्लस 12 माइनस क्यू बाई फोर, ऐसा कुछ आ रहा है 12 माइनस 16 बाई 4 12 माइनस 4, आंसर कितना आया 8 वोल्ट। तो रास्ता कोई भी हो
लेकिन आंसर वही आया कि नहीं, कोई बता सकते हैं रास्ता कोई भी हो लेकिन आंसर सेम क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है रास्ता कोई भी हो आंसर सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि असल में यहाँ हम लोग पोटेंशियल सबका सम जीरो होता है। नहीं नहीं नहीं, असल में यहाँ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल कहाँ से आता है? वर्क डन से। वर्क डन आता है फोर्स से। यहाँ एकमात्र फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का 11th क्लास में वर्क एनर्जी नाम के चैप्टर में डेफिनेशन था। वैसा फोर्स जिसका एक कंप्लीट साइकिल में वर्क डन जीरो हो, साथ ही साथ जो पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, रास्ता कोई भी चुनो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। फिलहाल आपको यह हल्का भी समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो अभी हम प्रैक्टिस शुरू ही किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मेरा बचा हुआ है, अभी डाइलेक्ट्रिक वर्ड जल्द पढ़ाना बाकी है। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बचा हुआ है, इसको आप देख लीजिए पहले। हम फोटो इसका जरूर भेज देते हैं आपको। क्वेश्चन में आपको हम दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के रूप में बोल रहे हैं, ठीक है? आप बोल सकते हैं कि जो कुछ बोलना है, तो हम इसको भेज दे रहे हैं आपके। भैया जो जो भेजते हैं उसका संडे को एक बार डाउट क्लियर कर देगा ना, जो जो क्वेश्चन भेजे हैं, बहुत सारा में डाउट है। डीपीपी वाला? हाँ हाँ वही, ठीक है, बना के भेज देंगे हम सीधे। बोल रहे भैया अपलोड कर दीजिएगा ना, रिवाइज हो जाएगा। हाँ जरूर, हाँ कर देंगे भैया, हाँ, कर देंगे। हाँ हाँ कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कैसे नहीं करेंगे। आज ईद है, बकरीद है, तो उन लोगों का छूटा है, उन बच्चों के लिए करना ही है, ठीक है, तो आज हो जाएगा। ये देखिए, ये मिटा रहे हैं हम। अब आपको क्वेश्चन है फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। क्वेश्चन लिखिए, बोल रहे हैं जल्दी से देखिए, फाइंड वी ए माइनस वी बी। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन जा रहा है, जरा देखिए उसको, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले या जो ले उससे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन, आया नहीं, बोलो घूम रहा है। देखे तो क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है? ये एचसीएल वाला क्वेश्चन नंबर 35 हम भेजे हैं, हाँ दिख रहा है। देखिए 35, फाइंड बी ए माइनस बी बी। अभी हम इसमें से बी बनवाए थे, बी कुछ अलग यहाँ गलत था, आपको ए सी और डी बना के दिखाना है। नहीं बनता, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे, आज पहला ही सवाल हुआ इसीलिए। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। आप में से किसी को भी लगे कि ये क्या है तो आपको क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे हम भेज रहे हैं। इसको ठीक से सजाया नहीं है, सीधे भेज देते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना है। शुभरात्रि, हैप्पी बकरीद, और जो भी त्योहार है आपका वो, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारा सबका त्योहार जा सकते हैं। कुछ बोलना है भैया? पीछे आंसर माइनस 8 बोल दिया, पीछे क्या हो गया है? माइनस 8 बोल दिया, माइनस 8 वोल्ट आंसर, क्योंकि उसमें ना असल में साइड बुक में, साइड बुक बोलते एच शर्मा का, और की किताब देखिएगा, वो इसको जिसको हम बी लिखे है ना उसको वो ए लिखा है, और उसको बी लिखा है, वो यहाँ पे मिसप्रिंट था, तो हम वो उल्टा लिखा हुआ है। हाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए जो इनका यहाँ पे ए होगा यहाँ पे बी, तो उसका आंसर माइनस 8 आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, उल्टा डायरेक्ट बदल जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा ओके, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं।